इस खबर के सह प्रायोजक है संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महारौनी रोड ललितपुर। तो आज यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह सिर्फ है जो समाज की कुरीतियों को मिटा करके और गरीब लोगों को भी समाज की मुख्य धारा से बराबरी के सम्मान से जोड़ने के लिए, जो गरीब लोगों का अपने घर पर इतना व्यवस्थित कार्यक्रम नहीं हो पाता है, जो इतने दबे कुचले हैं उनके लिए है, जो सब लोग सामूहिक रूप से थोड़ा थोड़ा चंदा जोड़ करके कुछ आंशिक अंश उनसे भी लेकर के इस कार्यक्रम को और बढ़ा चढ़ा करके उनकी घर गृहस्थी के जीवन में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाता है। तो अगर सरकार से हमें मदद मिलती है तो वो ऑनलाइन करते हैं, जो सरकार की व्यवस्थाएँ हैं तो लड़की वाले अपना ऑनलाइन करके सरकार से जो भी मदद मिल रही है वो ले सकते हैं। अभी हाल फिलहाल तो जो है कार्यक्रम हुआ है ये सरकार से कोई मदद ना लेकर के जिला ग्रामीण मुस्लिम मंसूरी समाज समिति ललितपुर और उर्स कमेटी वृद्धा की जानिब से ये कार्यक्रम है जो संपन्न कराया गया है। और इंशाल्लाह है जो जब लोगों का सहयोग रहेगा और ये रहेगा और सरकार का सहयोग मिलेगा तो उनको सरकार के सहयोग का भी लाभ है जो लाभार्थियों को दिलाया जाएगा। इसकी हम लोग अगले समय में भरपूर प्रयास करेंगे कि लाभार्थियों को भी सरकार की योजना का लाभ मिले और साथ में कमेटी की जानिब से भी जो दान इकट्ठा होता है उसका भी उनको गरीब लोगों को लाभ मिले। यह आयोजन मंसूरी समाज वृद्धा द्वारा आयोजित किया जा रहा है सदन साहब आवाते नगरी में ललितपुर में उनके प्रांगण में। और वृद्धा जो है हमारा एक बहुत ही छोटी सी जगह है, वहाँ जो है हमारी वृद्धा और कमेटी हम भी उसमें संरक्षित हैं शुरू से हैं। उसमें हम लोगों का शुरू में प्लान बना थी वृद्धा में काफ़ी कम परिवार होने की वजह से और जो क्षेत्र में तिसी तिसी थे दो दो तीन तीन परिवार गाँव में हैं तो उनकी व्यवस्था और जो गरीब परिवार हैं उनकी शादी के जमाने के हिसाब से माहौल के हिसाब से आदित बड़े हुए खर्चे। तो वृद्धा और कमेटी द्वारा ये तय किया गया था कि मंसूरी समाज का जो है सम्मेलन वृद्धा में भी आयोजित किया जाएगा। तो वृद्धा में जब तक अभी आयोजित होता आया है उस संबंध में हमारे जो है समस्त वृद्धा के साथियों ने हर समाज ने सहयोग भी किया है। मंसूरी समाज ने तो बढ़ चढ़ कर बहुत ही ज़बरदस्त ललितपुर जनपद की उस समय थी अपेक्षा उस समय बहुत ही अच्छे आयोजन और सम्मेलन दिया, जो एक छोटी जगह होने के कारण भी और पहले सम्मेलन में 18 सम्मेलन किए हुए थे। इस बार जो है अपने बाबा साहब के प्रांगण में सदन साहब पर सम्मेलन किया जा रहा है। तो इस संबंध में हम चाहते हैं, क्योंकि मैं गजेंद्र सिंह मुंदेला हैट्रिक प्रधान पिपरिया और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति उत्तर प्रदेश का महासचिव हूं और हमारा नारा ही ये थी रहा है जातिवाद नहीं सिर्फ नीतिवाद 20 सालों से और हमारा नारा है उस पैटर्न पर हम चलते भी हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से सम्मानित जिलाधिकारी महोदय से और सम्मानित जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि सम्मेलन के उन परिवार के जोड़ों को सर्वप्रथम उन्हें गवर्नमेंट की सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उन्हें धनराशि अनुदान उन्हें तुरंत जो है चेक दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट की व्यवस्थाओं को ना बिगाड़ते हुए वह अपनी व्यवस्था बनाकर भी आप तो वही पैटर्न पर काम कर रहे हैं मंसूरी समाज वृद्धा जो पैटर्न पर गवर्नमेंट चाहती है। तो जो अनुदान इत गवर्नमेंट द्वारा सम्मेलन कराकर दिया जाता है वही अनुदान जो है हमारी इस कमेटी के समस्त जोड़ों को दिया जाए इसकी हम मांग करते हैं। इसमें जो है हमारे गरीब तबके के परिवार जो हर जगह उतनी टेंट व्यवस्था थाना व्यवस्था भोजन व्यवस्था उन रिश्तेदारों को बुलाने की व्यवस्था और उन्हें रुकने की व्यवस्था नहीं कर पाती है, तो बहुत ही कम खर्चे में यहाँ सामूहिक जो है समाज द्वारा और सर्व समाज सहयोग जो भी होता है उसके द्वारा आयोजन होता है तो उन गरीब परिवारों की बच्चियों के हाथ पीले हो जाते हैं और उन गरीब हमारे भाइयों से भी शादी हो जाती है बंधन में एक दूसरे से बंध जाते हैं तो उनका मात्र जो है तर्जे से मुक्त हो जाते हैं। उनके परिवार में शादी एक उत्साह है और शादी एक अनिवार्य इससे हमारा एक दूसरे से वो चलता है। तो इसमें जो है शादी होने के बाद तुरंत वो तर्जे में नहीं डूबता है सम्मेलन से, उसके ऊपर जो लाखों रुपये अगर वो व्यक्तिगत शादी करेगा जो लाखों रुपये का तर्जा होगा तुरंत शादी के बाद उसको चुताने में उसका पूरा व्यस्त हो जाएगा, उससे इसकी सारी बचत हो जाएगी, अवैध तरीके से धन का खर्चा नहीं होगा, उसके ऊपर कोई परिवार पर बोझ नहीं पड़ेगा और तर्जा भी नहीं होगा और सम्मान और तरीके से जो है मंच पे हमारी जो मंसूरी समाज हवी जोड़ों को मंच पे बहुत ही अच्छी तरह सम्मान देते हुए उनके जो है विवाह संपन्न कराए। इस प्रकार से तारतम को हम तो चाहते हैं तो हमेशा आप दिन पे दिन बढ़ावा दें और जो व्यर्थ परेशानी समस्याएं भीड़ भाड़ और शहर में माहौल और व्यवस्थाएं
और पैसे पे अवैध तरीके से खर्च करना। इससे अगर एक साथ 20 और 50 शादियाँ हों तो आपके 5 शादी 10 शादी के खर्च में आपकी 20 शादियाँ संपन्न हो जाएंगी और आप लोग अपने तरीके से तर्जे से भी बचे रहेंगे और समस्याओं से भी बचे रहेंगे और आपकी समाज उससे भी ज़्यादा, क्योंकि सम्मेलन में सारे क्षेत्र से, जनपद से, अंजनों से भी समाज आएगी, तो वो लोग भी यह देख रहे थे हमारा ललितपुर जनपद मंसूरी समाज बहुत आगे है। अच्छी पहल है समाज के लिए और अच्छा होने चाहिए, गरीब महिलाओं की बेटी ब्याह ही जाएंगी, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आगे इसी तरह का से समाज का बढ़ता जाए। पहल करी है 2 शादी में, पहल है इस साल, अगले साल बढ़ा के शादी करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के भरोसे हैं, अल्लाह करवाए तो करेंगे। ये लड़कियाँ हैं, इनके लिए इज्जत से अपने घर पर पहुँचाया जाए, शादी की जाए इनकी, और जो आने वाले वक्त में जो है और जो गरीब तबके के आदमी लोग हैं उनके लिए भी यही सुविधा दी जाएगी। देखने में आता था कि और समाज में सम्मेलन होते थे, जी हाँ, में नहीं होते थे और सरकार भी इसको चला रही है कि जी हाँ, उसका भी वहाँ से भी लाभ मिलता है, जी हाँ। तो आने वाले समय में आपके द्वारा क्या इस प्रकार का और बढ़ावा दिया जाएगा? जी हाँ, बढ़ावा दिया जाएगा। जितनी भी आएंगी शादी, जैसे 2 हैं इस साल, 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, वो हम लोग अपने हिसाब से करते हैं।